और वेजिटेरियन रेसिपीज, अलग अलग क्यूजिन की रेसिपीज, मीठी मसालेदार यूनिक सी रेसिपीज के लिए आप मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कीजिए ताकि जब जब मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वेलकम टू अल्पाहार। मेरा नाम अल्पा शाह है। मकई यानी कि कॉर्न वैसे तो हमें 12 महीना मिलती रहती है, लेकिन बारिश में उसकी रेसिपीज और भुट्टा खाने की मजा कुछ अलग ही आती है। आज हम मकई में से ही रेसिपी बनाने वाले हैं। कॉर्न की सेव खमणी, अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे भुट्टे की कीस कहा जाता है, मकाई का चिवड़ा कहा जाता है, मकाई की सेव खमणी कहा जाता है। बहुत ही जल्दी झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आप नाश्ते के तौर पे इसे सर्व कर सकते हैं, टेस्टी रहती है। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल और 1 टेबलस्पून बटर लिया है। थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाए 1/2 टीस्पून सरसों डालेंगे। सरसों थोड़ी क्रैकल हो जाए 1 टीस्पून सफेद तिल, 10 से 12 कड़ी पत्ते के पान, 1 टेबलस्पून अदरक मिर्ची का पेस्ट। अगर आप अदरक नहीं खाते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से सौते कर लेंगे। हमें इसे 30 से 40 सेकंड के लिए थोड़ा सा भूनना है। 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी मिक्स कर लेंगे। मैंने मकई के दाने को इस तरह से कद्दूकस कर लिया था, मकई पूरे भुट्टे को। ये मैं 2 कप लूंगी, अखे दाने लूंगी, मिक्स कर लेंगे। लगातार चलाते हुए हमें तेज आंच पर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसे भूनना है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मॉइस्चर काफी कम हो गया है। इस स्टेज पे हम 1.5 कप दूध डालेंगे। 3 कप मकई के सामने हम 1.5 कप दूध लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढककर करीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे और बीच में 2 बार चला लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। मैंने इसे बीच में 2 बार मिक्स कर लिया था। अच्छा खासा ड्राई हो चुका है मिश्रण। अब दूसरे सीजनिंग कर लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून चीनी डालेंगे, 2 टेबलस्पून फ्रेश नारियल, 1 टेबलस्पून जितना धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब स्लो आंच पे ही हमें इसे 5 मिनट के लिए बिना ढके हुए रखना है। 5 मिनट हो गए हैं, मिश्रण हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। इस स्टेज पे हम इसे गैस बंद करेंगे और करीबन 10 मिनट के लिए इसे हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद सर्विंग करेंगे। कॉर्न सेव खमणी या भुट्टे की कीस या मकाई का चिवड़ा, जो आप कहें, बन के तैयार है। बहुत ही टेम्पटिंग ऐसी रेसिपी बनती है, टेस्टी है। मैंने इसे दाड़म से, सेव से गार्निश किया है। जरूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर से दीजिएगा। आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। थैंक यू।